हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज सीना। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हमारे पास यहाँ पर तीन पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये है पाइल नंबर 2 टेम्परेंस, और ये है पाइल नंबर 3 द सन। तीनों में से जो भी पाइल आपको लगता है कि इसके अंदर आपका आंसर हो सकता है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आपको बस ये करना है कि तीनों जो भी पाइल्स हैं, आँख बंद करके मेडिटेट कर सकते हैं। आप कार्ड्स में से कुछ ऐसा आपको लग सकता है कि आप फीलिंग लग रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसमें आपका आंसर हो सकता है, आप उस बेसिस पे इन पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। और जब आप रीडिंग देखते हैं, अगर वो आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली वो रीडिंग आपके लिए है। वो पूरी की पूरी जो पाइल के आंसर्स हैं वो आपके लिए है। सो यहाँ पर टॉपिक है कि लव मैरिज कैसी रहेगी या अरेंज मैरिज होगी तो वो कैसी रहेगी, दोनों में से किस तरह की मैरिज आपकी हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई रिलेशनशिप में है या फिर सिंगल है, आप देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, आप जब भी इसको देख रहे हैं आपके ऊपर मैच करेगी। और अगर आपके ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आप उस फिर भी देख सकते हैं मैच करने के लिए कि सब कुछ चीज़ आपसे मैच कर रही है या नहीं। और इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की भी प्रेडिक्शंस मैं बताऊंगी, तो आपको वो भी पता चल सकता है। तो कि जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर प्रेडिक्शन भी होगी, तो आप मैच कर सकते हैं कि शादी होने के बाद आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी हो सकती है और आगे क्या होने वाला है आपकी शादी में। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला, तीन पाइल्स हैं, तीनों में से आप किसी एक को चूज़ कर लीजिए और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर टुडे। और आज की जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो होने वाली है माई मैरिज इज सो ब्यूटिफुल। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज जो भी हमारी लाइफ में होता है वो यूनिवर्स की देन है। और इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करो। और इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग को। अगर अभी तक आपने कोई भी पाइल को नहीं चूज़ किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं कार्ड के ऊपर और उसके बाद चूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पर्सनल रीडिंग्स भी ओपन हैं, आप बुक कर सकते हो। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 3 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। ओके, यहाँ पे जो कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप खुद कंफ्यूज हैं कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली मान नहीं रही है, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है। और आपको इस सिचुएशन में जस्टिस चाहिए भगवान से, आपको चाहिए, मतलब आप अभी थोड़ा परेशान हो रखे हो, आप सपोर्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि या तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, ये पर्सन और ज़्यादा स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करे। लेकिन आपको दोनों ही तरफ से ऐसा लगता है कि ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं, लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक को छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप एक की तरफ जाते हैं तो दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं तो पहले से अलग हो जाते हैं। और आप दोनों ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि आप क्या करो और क्या नहीं करो। यहाँ पर ऐसा लगता है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है आपकी लाइफ में कि आप जाकर भी स्ट्रेंथ या करेज नहीं रख पा रहे हैं। आपको मन करता है कि आप भाग जाओ यहाँ से और सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे रिलैक्स करने के लिए कहीं चले जाओ जहाँ पे कोई झंझट ना हो, तामझाम ना हो। बट आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको लगता है ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आप हो सकता है इन्हीं के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। और एक ट्रू कमिटमेंट जो मिलनी चाहिए इस इंसान से, वो भी आपको नहीं मिल रही है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में जो सॉर्ट आउट नहीं होती है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है और चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। यहाँ पर आप जब से इस पर्सन को मिले हैं और जब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, आपको ऐसा लगता है ये आपके सोलमेट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों डेस्टाइंड हो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए, हर जन्म के आप साथी हो। आपको ऐसी सारी फीलिंग्स होती है इस पर्सन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रांग फीलिंग है कि यही आपके सोलमेट हैं। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
आपको आज तक किसी और के साथ फील नहीं हुई जैसी आपको इस पर्सन के साथ फील होती है, या आपको जिस तरीके से समझते हैं, आप दोनों की जिस तरह से ट्यूनिंग है, जिस तरह से ये पर्सन आपके लिए बिहेव करते हैं और वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इस पर्सन की तरफ, और आपको लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए ये आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप जब ये ज़िद नहीं करते आपसे शादी करने के लिए तो भी आपको यही लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ और अच्छे इंसान है, तभी ये ज़िद नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी फैमिली मान नहीं रही है, फिर भी ये इतना पेशेंस रखे हुए हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छे इंसान है, मेरे सोलमेट हैं और मुझे इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। लेकिन आप इन सब चीज़ों से अभी फ़िलहाल फ्रस्ट्रेट हो चुके हो क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन जब तक फैमिली नहीं मानेगी तब तक शादी नहीं करेंगे, और मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, मुझे फाइनली शादी करनी है अब। और कई बार तो आपको लगता है कि अगर बहुत अच्छा कोई अरेंज मैरिज में प्रपोजल आ जाए तो शांति से आप वहीं शादी कर लेते, या फिर कई बार आपको लगता है कि काश आपको कोई पसंद ही नहीं होता और आप शांति से वहीं शादी कर लेते जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपकी शादी कराते, पर आप फिर भी यही चाहते हैं कि जहाँ पर भी आपकी शादी हो वहाँ पर आपकी खुशी हो, वहाँ पर आपको एक पार्टनर ऐसा मिले जो आपको रिस्पेक्ट देता हो, जो आपकी बात माने, आपकी बात समझे और आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करे, प्यार करे। और ये ऑब्वियस है कि हर लड़की इसी तरीके से चाहती है, लेकिन आपको एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल केयरिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको चाहिए कि चाहे पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो या ना हो, उसके पास गाड़ी बंगला या ऐसे ये सब कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा लैबिश लाइफ ना भी हो, लेकिन अगर वो आपको प्यार करे, पैम्पर करे, आपकी केयर करे, आपकी छोटी छोटी बातें माने, आपके साथ किचन में थोड़ी सी हेल्प करा दे या घर के कामों में थोड़ी सी हेल्प करा दे, आप थक के आए तो आपको ऐसे ही मीठी मीठी प्यारी बातें आपसे कर ले, आपको हंसा दे जब आप दुखी हो, आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए। और आपको लगता है कि ये पार्टनर हैं जो आपके फ़िलहाल करंट वाले, वो इसी तरीके के भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके लिए फैमिली नहीं मानती है, और हालांकि इस रिलेशनशिप में भी कुछ कमियां हैं, और आपका प्रैक्टिकल माइंड, जो आपका प्रैक्टिकल माइंड है वो भी आपको उन कमियों को नज़रअंदाज करने नहीं देता है। आपकी एक बात है जो आपकी बहुत ख़ास है, वो ये कि चाहे आप कितने भी ज़्यादा प्यार में हैं, आप इमोशनल भी बहुत हैं, प्यार में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिकल अप्रोच रख के हर चीज़ को चलना चाहते होते हो। आपको लगता है कि जब भी आप कोई डिसीजन लो तो उसको प्रैक्टिकली लो, ना कि सिर्फ दिल से, क्योंकि सिर्फ दिल से हुआ और कल को आपको बहुत भुगतना पड़ा तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज़ आप स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट इंसान हो, आपको नहीं चाहिए कि आप किसी के ऊपर 100% डिपेंड हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको डराती है कि अगर आप किसी के ऊपर 100% डिपेंड हो गए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, आप किसी के ऊपर भी अगर 100% डिपेंड हो जाते हो तो आपको डर लगने लग जाता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहे या इन्होंने कभी आपको डच कर दिया या किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगता है, तो इसलिए आपको डर लगता है। दोनों ही सिचुएशन में आप ना तो अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, आप पता है कैसी, मतलब वैसे ये ऑलमोस्ट है कि हर इंसान का यही सपना होता है कि जब उसकी शादी हो तो उसकी फैमिली उसके सराउंडिंग में हो, उसके फ्रेंड्स उसको सपोर्ट कर रहे हो और उस पर्सन को बहुत सब प्यार दे, प्रेज दे, जिससे आप शादी करना चाहते हो और उससे बहुत प्यार करते हो उस पर्सन से। लेकिन आप चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, आपको एक ऐसा ही पर्सन मिलेगा जो आपको प्यार करेगा और पैम्पर करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये बात आप 90% मान के चलिए कि आपको कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, वो आपको कुछ नहीं कहते हैं इतना ज़्यादा, मतलब वो इस पर्सन को हाँ नहीं कह पाएंगे। बाकी अगर आप शादी कर लेते हो, कोर्ट मैरिज कर लेते हो, तो वो आपको एक्सेप्ट ज़रूर कर लेंगे कुछ टाइम बाद, ये तो गारंटी है, लेकिन वो आपको अपने दिल से इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको ये कभी नहीं बोल पाएंगे अपने मुंह से कि हाँ शादी से पहले कि भाई मैंने इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया, चलो हम आपकी शादी करा देते हैं, वो ऐसा नहीं कह पाएंगे, ये उनसे नहीं होगा, क्योंकि उनको शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि यहाँ पे कास्ट डिफरेंट हो, पर मुझे ऐसा लगता है कास्ट वगैरह की बात नहीं है, यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम है, मे बी उस पर्सन के जो फाइनेंसेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है पेरेंट्स के लिए, हो सकता है कि वो चीज़ आपके कंपैरेटिवली कम हो और ज़्यादा नहीं हो, तो उनको लगता है कि ये आपके लिए कोई एलिजिबल रिश्ता नहीं है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि आपकी इस पर्सन से शादी हो। लेकिन अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं
तो आपकी फैमिली आपको देर सवेर एक्सेप्ट कर लेगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगी, कुछ साल भर के अंदर ही आपको एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग, बल्कि जल्दी भी कर सकते हैं, शादी होते ही भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है चलो कर लिया तो कर लिया, आप खुश हैं तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं सोसाइटी के लिए भी और वैसे भी। और अगर आप ऐसे सोचते हो कि आप कोर्ट मैरिज ना करो और ऐसे हाथ पे हाथ बैठे रहो, और एक दिन आपके पेरेंट्स आके आपको कहेंगे कि अरे आपने बहुत अच्छे बच्चे होने का फर्ज निभा लिया है, अब हम भी आपका दुख नहीं देख सकते, चलो हम इस पर्सन से आपकी शादी करा देते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, वो आपकी अरेंज मैरिज कहीं पे करा देंगे, और हो सकता है आप भी प्रेशर में आके या फिर आपको सामने वाला बंदा पसंद ही आ जाए आप इसलिए शादी कर लो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपके पेरेंट्स आके आपको ये कहें कि भाई ये रिश्ता हमें मंजूर है जो आप लेके आए हो और हम इससे आपकी शादी करा रहे हैं। तो आपके पास ये दो चॉइसेस हैं कि या तो आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी या फिर अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। पर एक बात मैं बता दूं, आप दोनों में से जो भी मैरिज करें आप दोनों ही को बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं, दोनों ही करते टाइम खुश होंगे। आपको थोड़ा सा मलाल ज़रूर होगा कोर्ट मैरिज करते टाइम के कि आपके ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स नहीं आए इस शुभ मौके पे, इस शुभ घड़ी पे जब आप शादी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो आपको एक हल्का सा डर तो होगा, एक हल्का सा दुख तो होगा कि आप उस पर्सन को छोड़ चुके हो जिससे आप शादी करना चाहते थे, लेकिन आप मूव ऑन कर जाओगे और आप अपने पार्टनर के साथ, अपने पति के साथ बहुत खुश भी रह पाओगे आगे आने वाली सिचुएशन में। ये पार्टनर भी बहुत अच्छे होंगे जिससे भी आप अरेंज मैरिज करोगे, बहुत आपको प्यार देंगे, आपने जैसे एक्सपेक्ट किया है उसी तरीके के होंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आप दोनों को तालमेल बिठाने में, लेकिन आपकी आपके इन लॉज के साथ भी बहुत अच्छी बनेगी, आपके पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छी बनेगी, और आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे सारी चीज़ों को, और यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शादी के बाद। एक चीज़ है कि आपको एक चीज़ एक इंसान से या फिर अपनी फैमिली से किसी ना किसी चीज़ से तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा अपनी इस कन्फ्यूजन को रिलीज़ करने के लिए। और यहाँ पे आप देखा जाए तो लकी हो कि आपके हाथ में ये है कि आपको लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, लेकिन कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। परफेक्ट एक सिचुएशन होती है ना जहाँ पर आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर ली और कर रही है और आपकी लव मैरिज भी हो जाए, वो सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। आपको अरेंज मैरिज में तो सपोर्ट मिल सकता है आपकी फैमिली का थ्रू आउट योर लाइफ, लेकिन लव मैरिज करते टाइम आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा और आपको ये चीज़ का रिग्रेट होगा, बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप निभा सकते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई एडवाइस तो नहीं दूंगी इस चीज़ के ऊपर, मैं बस वो बता रही हूँ जो यहाँ पर टैरो में दिखाई दे रहा है। और नहीं तो अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको सिर्फ इसी चीज़ का डर है कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो आपकी कानून पर्सन से शादी होगी, कानून फैमिली में आप जाओगे, वो लोग आपको खुश रखेंगे या नहीं रखेंगे, उस चीज़ का अगर डर है तो वो मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ यहाँ पर कि वो फैमिली भी आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, वो पार्टनर भी आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और आप बिल्कुल उनके साथ खुश रहोगे। आपको शायद थोड़े टाइम बाद याद भी नहीं रहेगा कि आपकी लाइफ में कोई और था जिससे आप इतना प्यार करते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स हेयर इट्स इन द कार्ड्स, और ये साफ साफ दिखाई देता है कि आप उस पर्सन को भूल जाओगे। भूलने का मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल गजनी हो जाओगे और आपको याद ही नहीं रहेगा एकदम से, और याद आएगा तो कभी एकदम से याद आएगा और फिर सब चीज़ें याद आ जाएंगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आपको वैसे ध्यान होगा वो पर्सन, लेकिन आपको नॉर्मली हर चीज़ के ऊपर ऐसे वो उस पर्सन की याद नहीं आने वाली। जैसे फिलहाल आप उस पर्सन के बिना रेस्टलेस हो जाते हो, पागल हो जाते हो, आपको लगता है कि ओ माय गॉड मैं उनके बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, वैसी फीलिंग होनी बंद हो जाएगी। आपकी लाइफ में कोई और है और आप उससे बहुत प्यार करेंगे और इस रिश्ते की भी रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी शादी की भी रिस्पेक्ट करेंगे, आप बिल्कुल भी अपना पैशन कम नहीं होने देंगे। अगर आपको लगता है कि आप अरेंज मैरिज कर लोगे और आप अपने पार्टनर को बुला नहीं सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप अपने पार्टनर को भी बुलाओगे और आप बहुत अच्छी ज़िंदगी भी स्पेंड करोगे नए पर्सन के साथ। सो यहाँ पर यही आपका आंसर है, लव मैरिज करते हो तो आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, और अगर अरेंज मैरिज करते हो तो आप खुश तो रहोगे लेकिन आपको जाहिर बात है आपका प्यार आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपका प्यार आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आपको दो बार सोचना चाहिए, बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाती है। तो जाहिर बात आपको अपनी फैमिली को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी जो आपकी शादी है वो बहुत अच्छी ही रह रही है। अगर आप लव मैरिज भी करते हैं तो भी वो बहुत अच्छी ही रहेगी, जैसे मैंने बोला आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट कर लेंगे एक पॉइंट के बाद, लेकिन आपको अपनी शादी वाला दिन अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा, और उसके बाद भी बहुत सारी खुशियाँ ऐसी हो सकती हैं जो उनके बिना सेलिब्रेट करनी पड़े, और इस चीज़ का दुख आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी,
सो जो भी आपको सिचुएशन ऐसा लगता है कि आप फॉलो कर सकते हैं, अपील करती है, आप वो ज़रूर चूज़ करें। और ये थी आपकी रीडिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली है, आपका प्यार। और आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ये है, माय मैरिज इज़ सो ब्यूटीफुल। और आप तो ज़रूर लिखिएगा, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, वो मैरिज ब्यूटीफुल ज़रूर होनी चाहिए। और थैंक यू बोलना यूनिवर्स को। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग ओपन है, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। मेल आईडी दे रखी है, इंस्टाग्राम पे दे रखा है मैंने हैंडल, और आप ऐसे बुक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग अगेन, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू यूनिवर्स। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने टेम्परेंस का ये कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कैसी रहेगी और कैसे होंगे आपके पार्टनर और कैसे होने वाली आपकी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे अगर बात करें आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज की, तो यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिखाई देता है कार्ड्स को देखते हुए कि आप करने वाले हो अरेंज मैरिज, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर कोई रिश्ता है भी शादी से पहले तो वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा और आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हो सकता है, हो सकता है वो पर्सन आपके साथ बहुत अब्यूजिव हो, मारपिटाई भी कर सकते हैं किसी किसी केसेस में। सब केसेस में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सम पीपल आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, और वो नहीं अलाउ करते कि सामने वाला इंसान आपके साथ इस तरीके से बिहेव करे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाते और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि कोई आपके ऊपर हाथ उठा दे, और आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर देते हो आप उन चीज़ों को। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो वो हीट ऑफ द मोमेंट में था, और फिर सामने वाले की सॉरी से आप पिघल जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को सपोर्ट करते हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि इनफ इज इनफ। अगर कोई आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आपके ऊपर आवाज़ भी उठा रहा है, तो भी ये गलत है। टू बी ऑनेस्ट, आपको इस चीज़ों को प्यार नहीं समझना चाहिए, हीट ऑफ द मोमेंट नहीं समझना चाहिए। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो आप उसको बदलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इस तरह की थिंकिंग है सामने वाले को बढ़ावा देती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिलहाल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो या फिर गुजर चुके हो ऑलरेडी। पर जो भी है, अगर आप अभी भी उस रिलेशनशिप में हो तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी, अगर आप अब्यूजिव रिलेशनशिप को सहन कर रहे हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप को सहन कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ शोइंग देयर लव। और आपको ऐसे पर्सन से दूर रहना चाहिए, और ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट भी नहीं है। ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, दूसरे लोगों से भी बातें करते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों या दूसरे ऑप्शंस देखना हो, जैसे दूसरी लड़कियों से बात करना। मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ कोई रिलेशनशिप में है, लेकिन हो सकता है दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करते हो, आपके साथ आपके रिलेशनशिप है, ये बातें छुपाते हो, दूसरी लड़कियों को नहीं बताते हो कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं। और जो मेल व्यूवर्स हैं उनके लिए भी यही बात है कि हो सकता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो जब अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करती हैं, या कुछ ऐसे लड़के हों जिनके साथ फ्लर्टिंग करते हों और उनको नहीं बताते हों कि वो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आप जिस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डर में, बहुत ज़्यादा खौफ में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हो, आपका हर दिन डिप्रेशन जैसा लगता है, आपको ऐसा बार बार एहसास होता है कि आप शायद डिप्रेशन में जा चुके हो या जाने वाले हो, सो इट्स वेरी बैड एंड यू शुड डू इट, डू समथिंग अबाउट इट। क्योंकि अगर आपने आपकी रक्षा नहीं करते, अगर आप अपने आप को बचाव नहीं करते सिचुएशन में, तो ये पर्सन तो कभी भी नहीं समझने वाले, गारंटी लिख के ले लो। पहली बात तो ये पर्सन आपसे शादी करेंगे ही नहीं, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, चाहे इनके लिए आप कुछ भी छोड़ दो जिंदगी में, चाहे आप कितने पैसे कमा लो, रिच बन जाओ, चाहे आप अपनी फैमिली छोड़ दो, चाहे आपकी फैमिली मान जाए, चाहे इनकी फैमिली मान जाए, ये पर्सन आपसे शादी नहीं करेंगे। अगर आपको इतनी सी भी उम्मीद है, उस उतनी सी उम्मीद को भी खुद ही ख़त्म कर दो, क्योंकि ये पर्सन आपके लायक नहीं है और ये आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले। ये आपसे झूठ बोलते रहेंगे, धोखा करते रहेंगे, आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और कुछ नहीं करने वाले ये आपके साथ। और आपको शायद चीज़ें ये बुरी लगेंगी सुनने में, शायद आपको ये, कुछ लोगों को शायद ये एक्सेप्ट भी नहीं करा जाएगा उनसे, क्योंकि शायद वो उस फेज तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर सब कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, ख़त्म होने के कगार पे है। लेकिन जो लोग वहां तक पहुंच गए हैं उनको ये, मैं ये बता दूं, ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में दूसरे पहलुओं पर फोकस करना चाहिए और इस पर्सन को बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है
कि ये पर्सन है, आपको आके बोलते होंगे कि चलो हम एज अ फ्रेंड तो रह ही सकते हैं जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो और फिर आपको बातों में फंसा लेते हो और कहीं ना कहीं आपके मन से इनके लिए प्यार नहीं खत्म होता। तो मैं आपको बोल दूं कि आप ऐसा मत करो, आप इनको फ्रेंड भी मत रखो। जितना ज़्यादा आप इस पर्सन के करीब रहोगे उतना ज़्यादा ही दुख आपकी लाइफ में आएंगे, उतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ आपकी लाइफ में आएंगी और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो आपको इस पर्सन से दूर रहना है, ये ही बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप जितना इस पर्सन से दूर रहोगे आपकी लाइफ में आप ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाओगे, ज़्यादा स्टेबल रह पाओगे और अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाओगे, नए सिरे से शुरू कर पाओगे। यहाँ पे जाहिर बात है कि जो भी पर्सन है या आपकी लाइफ में उन्होंने जैसा भी बिहेव आपके साथ किया है, आप प्यार तो नहीं करने वाले कुछ टाइम तक और ना ही किसी नए रिलेशनशिप के बारे में खुद से सोचने वाले हो, क्योंकि आपको खुद की जजमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऐसे डाउट होने लगा है कि आप अपने लिए कोई सही पर्सन चूज कर सकते भी हो या नहीं कर सकते। और आप ऐसे भी इस तरीके से लोनली फील करते हो, कोई बाहर नहीं जाते हो, किसी से मिलते नहीं हो, तो नया ऑप्शन आपको मिलना या नया पर्सन खुद से आपको मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यही लगता है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन अरेंज मैरिज होने के लिए भी आपको अपने जो भी डर है, जो भी आपके आपने जो इतना ट्रॉमा सहन किया है, जो टॉक्सिसिटी है, इस चीज़ों को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, अपने दिल से भूलना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। और धीरे धीरे आप भूल भी पाएंगे अगर आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका मन लगता है, तो आप उन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, उन चीज़ों में टाइम स्पेंड कर सकते हो। बाकी आप कोई जॉब कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर सकते हो, कुछ भी ऐसा काम शुरू कर सकते हो जिसमें आपका मन लगता हो, जो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने में मदद दे। आप थेरेपी भी ले सकते हो, आप सीरियसली अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो बहुत ज़्यादा और आपको ज़रूरत है थेरेपी की, तो देर इज़ नो शेम इन दैट ऑल्सो, आप थेरेपी ले सकते हो। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो इस पर्सन से और आपको ये पता भी है, लेकिन आपको ये हर तरीके से एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद इस पर्सन को, इस नेगेटिविटी को, इस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना होगा ताकि आप अपने आने वाले जीवन को बहुत अच्छे से जी सके। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है। डेफिनेटली आप चाहते हो मेंटल पीस, डेफिनेटली आप चाहते हो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आप चाहते हो एक बैलेंस हो और आप चाहते हो कि जो ये टाइम है, जो ये टेस्टिंग टाइम है, जो ये भगवान आपकी इतनी वो ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ये ख़त्म हो जाए। आप ये चाहते हो, आपको चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं और कोई एक पर्सन हो जो आपसे इतना प्यार करे कि आपको बाकी चीज़ें आप भूल जाओ। सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। अगर आप जाते हैं अरेंज मैरिज की तरफ तो ही ये पॉसिबल है। आपको अरेंज मैरिज में एक स्टेबल परिवार, स्टेबल पर्सन ज़रूर मिल सकता है और आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप अपने सारे सेंसेस में सोचते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होकर सोचो, गुस्से में सोचो या फिर बहुत दुखी हो कि कोई फैसला लो, ऐसा नहीं करना है। जब आप बिल्कुल शांत हो उस मन से सोचो, आपको आपके पेरेंट्स जो भी रिश्ता दिखाते हैं, अगर आपको लगता है उनमें से कोई आपके लायक है तो आप उनसे शादी करने के बारे में सोचो, एंड डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उनमें से चूज़ किसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अरेंज मैरिज की तरफ ही जाइए। टैरो आपको यही सलाह देती है कि आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए और वहाँ पर भी आपके ऐसे ऑप्शन आएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे और बुरे होंगे, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन आपके लिए सच में अच्छा है वो आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी, जहाँ पे आपको आपका दिल से आवाज़ आती है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, आपको उसी पर्सन को चूज़ करना है। आपके पेरेंट्स तो आपको हर पर्सन के लिए यही बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं और सही में सब एक से बढ़कर एक होंगे भी ऑप्शंस। लेकिन देखो, सिर्फ पैसा, सिर्फ भारी दिखावा या पर्सनालिटी सब कुछ नहीं होता है। आपको जिसका मन अट्रैक्ट करे, आपको जो लगे कि ये पर्सन बहुत स्वीट और केयरिंग होंगे आपके साथ, ये प्यार को समझ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं, एक फैमिली इनके साथ बनाना बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ, आपको वैसे पर्सन को चूज करना है। और ये चीज़ आपको आपकी गट फीलिंग बताएगी, गारंटी लेके रख सकते हो कि ये चीज़ आपको अपने आप क्लिक हो जाएगी जब आप उनसे मिलोगे पहली बार या जब भी आपके उनसे बातें होंगी उस सिचुएशन में, जैसे आपको देखना दिखाना होता है, मिलना मिलाना होता है शादी ब्याह के दौरान, तो वहाँ आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या यही पर्सन है वो। तो उस चीज़ के बारे में चिंता मत करो, फिलहाल चिंता आपको इसी चीज़ की करनी है। अगर आप फिर भी एक रिलेशनशिप में हो जो कि बहुत टॉक्सिक है, तो उससे आपको बाहर निकलना है और आपके लाइफ में जो नई बिगनिंग है, जो नए पर्सन है, वो तभी आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस
पर्सन के साथ तब तक रिलेशनशिप में रहो जब तक आपको अरेंज मैरिज में कोई नया पर्सन ही मिल जाता है जो शादी करने लायक हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में और लेट हो जाएंगे आने में। वो आपको तब तक नहीं मिलने वाले जब तक आप पूरी तरीके से सिंगल नहीं हो जाते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भी बाद में गिल्ट रहेगा कि आपने ऐसा किया। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते कि आपसे इस तरह की गलती हो, तो आपको पहले इस पर्सन को पूरी तरीके से छोड़ना होगा, भूलना होगा, और फिर आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी, आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आएंगे जिसको आप डिजर्व करते हो, जो कि बहुत अच्छे होंगे आपके साथ और आपको बहुत खुश रखेंगे। आपको एक वैसा ही हस्बैंड मिलेगा या वैसा ही पार्टनर मिलेगा, वाइफ मिलेगी, जैसी आप डिजर्व करते हो, जैसी आप चाहते हो, जैसी आपने एक्सेप्ट की है, जैसी आपको एक क्यूट सी प्यारी सी फैमिली चाहिए आपके लिए। फैमिली वैल्यूज, प्यार वैल्यू, प्यार की वैल्यू और लव वैल्यू, इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं। पैसों के पीछे भागने वाले इंसान में से नहीं है। अगर आप थोड़ा भी कमाते हैं लेकिन खुश रहते हैं अपने परिवार के साथ, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए यही ज़रूरत है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को बाय बाय बोलो, डी एंड कर दो और नए रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करो, जो आपकी लाइफ में आ जाएगा जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज होगी और वो भी बहुत अच्छी रहेगी। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आज की जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो है माई मैरिज इज सो ब्यूटिफुल, तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर लिखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे को बदले में कुछ देना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल जितना ग्रो करेगा उतनी ही ज़्यादा मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ और हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग ओपन है, अगर आपको रीडिंग बुक करानी है तो आप करा सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी और इंस्टा हैंडल स्क्रीन के ऊपर डाल रखा है, वहाँ से पर्सनल रीडिंग्स को बुक करा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने द सन का कार्ड चूज किया है, सो यहाँ पर तो आपके लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, वो तो हम आगे देख ही लेंगे, लेकिन जो भी मैरिज आपकी होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द सन के साथ 10 of cups है और द लवर्स भी है, और इवन 3 of cups और हाई प्रेसेस को बनाता है कि आप चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे आप हो, सब कोई खुश रहने वाले हैं उस शादी से और सब बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे, सब बहुत हैप्पी होंगे उस रिलेशनशिप से। सो चलिए अब देख लेते हैं कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और बता दिया मैंने वह कैसी रहने वाली है, लेकिन डिटेल्स के साथ और बताती हूँ आगे। तो यहाँ पर 2 of swords के साथ ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं अभी, तो शायद हो सकता है कन्फ्यूजन इस चीज़ की हो कि आपको किस पर्सन से शादी करनी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत आपको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। द लवर्स के कार्ड के साथ ये भी लगता है कि शायद आप किसी को पसंद करते हैं और उससे भी शादी करना चाहते हैं, लेकिन 4 of swords है उसके साथ, तो लगता है कि उस पर्सन ने अभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया या वो पर्सन इस लायक नहीं बन पाए हैं कि आपके घर वाले उनसे शादी करा दें या फिर आप उनसे शादी करके अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाओ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये बोलता है कि आप अपनी लाइफ में कोई जॉब, कोई मनी सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप चाहते हो कि पैसा आपकी लाइफ में आए और जॉब आप अच्छी करो ताकि चीज़ें और अच्छी हो जाएं आपके लिए, और आपने काफ़ी हद तक भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन वर्ल्ड में चल रही है नॉर्मली कहाँ से पैसा आएगा किसी के पास, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो पहले से एस्टेब्लिश हो या फिर करना हो, मतलब तुक्के लग रहे हैं जिनके लग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कोई नॉर्मली 9 to 5 जॉब से बहुत ज़्यादा पैसे कमा पा रहा हो आज के टाइम पे। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नई जॉब चाहिए तो उसके लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को, उन टेंशंस को आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। आप डिप्रेस्ड भी लग रहे हैं यहाँ पर कि आप चाहते हो रिकवर करना, लेकिन लाइफ में इतनी सारी उथल पुथल अभी भी है कि आप रिकवर भी नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि आप डिप्रेस्ड हो सकता है आप मेडिसिंस भी ले रहे हों, हो सकता है आप थेरेपी भी ले रहे हों, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ले लीजिए, आप कंसल्ट करें किसी के साथ, आप किसी से बात करें, अपने दिल को हल्का करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आगे ये सिचुएशन में देखूँ तो यहाँ पे दिखता है कि आपकी मैरिज होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा हसीन नहीं होने वाली जितनी आपने सोची है। अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी और वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती है, स्टेबिलिटी दे सकती है, वो प्यार, वो स्माइल, वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन दे सकती है जो आप चाहते हो, जो कोई भी पर्सन चाहता है शादी से। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो आपको एक पैसे वाला
एक अच्छा खानदान जो आपके फ्रेंड्स को पसंद हो, फैमिली को पसंद हो, इस तरह के पार्टनर आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लव मैरिज करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपनी फैमिली को मनाने की स्ट्रगल करनी पड़ेगी और चीज़ों की स्ट्रगल करनी पड़ेगी, शायद पैसों की कमी से भी जूझना पड़ेगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जबकि आप अरेंज मैरिज करते हो तो सिर्फ आपको इस पर्सन को बुलाना है जिन्होंने ऑलरेडी या इस सिचुएशन ने ऑलरेडी आपको डिप्रेशन में डाला ही हुआ है, आपको बस उस पर्सन को बुलाना है और सब कुछ आपके लिए स्मूथ होगा। बल्कि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपकी जिससे भी शादी होगी आप दोनों फायर और हवा जैसे होंगे, आग को हवा बढ़ाती है और ज़्यादा भड़का देती है। तो जो आपके पार्टनर है वो इस तरीके के होंगे कि वो आपको और ज़्यादा भड़का देंगे सिचुएशन में, पर उसी तरीके से बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और आपको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे हर चीज़ में। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है और ये चीज़ भी बहुत खूबसूरत होती है एक शादी को बनाने के लिए। यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि हो सकता है कि आपको अरेंज मैरिज में गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन्स के बहुत ज़्यादा ऑफर आ रहे हों, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन से शादी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी लोग स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो आइडियल पार्टनर होंगे वो कोई गवर्नमेंट जॉब में ही होंगे, ना कि प्राइवेट जॉब में, और वो आपके लिए बहुत सही रहेंगे पर्सन और आप उनके साथ बहुत अच्छी लाइफ भी जी सकते हो, बहुत खुश रहोगे और बहुत इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। यहाँ पर जैसे मैंने बोला आपके लिए अरेंज मैरिज बहुत अच्छी है और आपको जो पर्सन मिलेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। शुरू शुरू में मैं ऐसा नहीं बोलती कि बहुत ही फेरी टेल जैसी लाइफ रहेगी, आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है ना, एक जो प्यार देने वाली कैपेसिटी वो काफ़ी हद तक ड्रेन हो चुकी है। आप किसी के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, आपको डर लगता है प्यार करने से दोबारा। आपकी लाइफ में आपने इतना कुछ सहन किया है कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को ट्रस्ट करेंगे, किसी से प्यार करेंगे तो कहीं वो पर्सन आपको लव बैक ना करे, प्यार दोबारा से ना दे उतना जितना आप उनसे करते हैं, तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, आप इन चीज़ों को लेकर मतलब जैसे बहुत जल्दी अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ बहुत जल्दी खुल नहीं पाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा उनके साथ खुलने के लिए। लेकिन जैसे आप खुलते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोल दूँ कि आपकी मैरिज बहुत खूबसूरत होने वाली है और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कितनी स्मूथली आप ट्रांजिशन कर जाओगे एक ब्यूटीफुल वाइफ में, एक परफेक्ट वाइफ में, एक ऐसी वाइफ में और ऐसे पर्सन में जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, जो अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। और ये प्यार आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की आंखों में भी आपको दिखाई देगा, आपके लिए आपको सब बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे इन लॉज मिलने वाले हैं, बहुत प्यारी फैमिली मिलने वाली है, सब आपको बहुत खुश रखने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता और एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आप स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ शादी के बाद। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन आप अरेंज मैरिज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लव मैरिज में तो मुझे लगता है आपको डिप्रेशन मिलने वाला है, प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं, आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे और फिर भी शायद उतनी खुशियाँ ना मिले जितनी अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो मिल जाएंगे आपको। क्योंकि उसमें देखो अरेंज मैरिज करने में जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता है कि प्रोस तो यही होते हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके साथ खड़ी रहती है। तो कई बार ये चीज़ अच्छी भी होती है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी बातों को अपने अकॉर्डिंगली कह सकते हैं जैसे आपको ठीक लगती है और प्रॉब्लम वगैरह आपकी सॉर्ट आउट करवा सकती हैं। लेकिन समझो आप दो ही जने हो और दोनों के आपस में बनी नहीं रही, लड़ाई झगड़े हुए जा रहे हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं है तीसरा पर्सन। कई बार तीसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है, वो बस समझा सकते हैं कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं आपकी लाइफ में, आप दोनों ही अकेले हो और कोई आपको समझाने वाला नहीं है, कोई आपको मनाने वाला नहीं है, तो आप दोनों एक दूसरे से लड़ लड़ के ही मर जाओगे, तो फ़ायदा ही क्या है उस चीज़ का, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अरेंज मैरिज है, वहाँ पर आप जैसे मैंने बोला आप खुलना नहीं चाहते, आपके पर्सन में भी थोड़ा एटीट्यूड और ईगो आ जाएगा इस चीज़ को देखते हुए कि आप इतना खुल नहीं रहे उनके साथ या इतना ज़्यादा उनको प्यार से नहीं बिहेव करते या बात करते टू द पॉइंट बात करते हो, तो इस पर्सन जो आपके पर्सन होंगे वो भी शुरुआत में आपसे कटे कटे से घूमेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और होंगे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, तो फैमिली है आपकी वो आप दोनों को करीब ही लेके आएगी और ज़्यादा पास लेके आएगी और ज़्यादा क्लोज बना देगी आपके रिश्ते को और बहुत ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरेंज मैरिज में, इस शादी में,
जिसको आपके फैमिली का आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला हुआ है, वहाँ पर पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपको पैसे के लिए सोचने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से मतलब आपके पति पति के पास आपकी फैमिली में इतना पैसा होगा कि आपकी ज़िंदगी आराम से स्मूथली चल सकती है। तो आपको एक पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए, जो कि आपको करनी भी चाहिए, मैं आपको सलाह दूंगी। आप अगर जॉब कर रहे हो तो मत छोड़ना, और अगर आपको बाद में जॉब करनी है तो डेफिनेटली उसे करना। वो आपको बहुत ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ व्यू देगी, एक ऐसा पर्सपेक्टिव देगी जिससे आपको खुशी मिलेगी, जिससे आपको ज़्यादा तसल्ली मिलेगी अपनी लाइफ में कि आपने ये डिसीजन लिया। तो वो जो जॉब है उस जॉब से आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, अपने मतलब शौक पूरे कर सकते हो। आपको अगर जैसे घूमने जाना है, कुछ खाना पीना है, तो आपको ऐसे मुँह देखने की जरूरत नहीं है दूसरे इंसान की ना। आपको मन कर रहा है तो आप घूमो फिरो, मज़े करो। सो इस तरह से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे अगर और बात करें तो ओवरऑल तो मैं ही आपको यही सलाह देती हूँ कि आप अगर करें तो अरेंज मैरिज करें, क्योंकि द सन और द टेन ऑफ कप्स के साथ यही दिखता है कि उससे जो आपकी शादी होगी, मैरिड लाइफ होगी, वो बहुत ही खूबसूरत रहेगी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ फैमिली सपोर्ट। आप, आपके बच्चे, आपके लॉज, आपकी पूरी फैमिली, हर कोई मतलब बहुत ही खुश, बहुत ही ज़्यादा एकदम मज़े में, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड विद लाइफ, और बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ टाइम लगेगा, 9-10 महीने लगेंगे इन सब चीज़ों को होने में। शादी के बाद भी आप कुछ महीने लेंगे एक दूसरे के साथ जलप होने में, और देखो अरेंज मैरिज में जब रिश्ते बनने स्टार्ट होते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके अलावा आपको कोई और मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप कोई डिप्रेशन में नहीं जाने वाले हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे आप संभाल नहीं सकते, आपकी फैमिली नहीं संभाल सकती। सो मैं आपको यही सलाह दूंगी, टैरो आपको यही सलाह देती है कि आप अरेंज मैरिज करिए, आपकी अरेंज मैरिज होगी और वो बहुत अच्छी लगेगी और आप खुश रहेंगे उस रिश्ते में। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो है माई मैरिज इज सो ब्यूटिफुल, थैंक यू यूनिवर्स। और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं, और इंस्टा हैंडल भी मैंने दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन, एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।